तो गाइज़ ये कल का ही वीडियो है, जो वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि बहुत पुदीना जो मैंने लिया था ना वो ही फिर मैं उसके साफ़ कर दूँगी। और धनिया तो मैंने काट के रख दिया था क्योंकि लव के पाई एक दिन पहले लेकर आए थे ना सब्जी, तो वो मैंने धनिया ना काट के रख दिया था, तो पॉलीथीन में ही रखा हुआ था। और यहाँ पे ये पुदीना है ना, इसको मतलब आधा साफ़ करूँगी आधा रख दूँगी। तो यहाँ पे मतलब जितना भी पानी बनाना होगा, तो यहाँ पे मिक्सी में दो हरी मिर्ची ली है, ये मिर्ची तीखी नहीं है गाइज़, तो लेकिन मैं डाल दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से डाल दे रही हूँ। और यहाँ फिर ये पुदीना हरा धनिया हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया है, और पीस कर फिर है ना इसे ना मतलब पानी में, ठंडे पानी में, तो ठंडा पानी तो मैंने नॉर्मली लिया था क्योंकि है ना अगर बर्फ़ वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, मैंने नॉर्मल जो मेरे किचन में स्टील के बर्तन में रखा होता ना, तो वो नॉर्मल ठंडा ही था, तो वही लिया था मैंने पानी, इसमें ऐड कर दिया था। और जितना भी इसका जूस था वो नीचे आ गया था, और बाकी जो रेसेस थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे। और इस तरह से पानी एकदम बढ़िया मतलब दो बार में मैंने इसे किया था, और दोनों बार में इसके पूरा जितना भी रेशेस थे वो निकल गए थे, अच्छी तरह से निकल गए थे, ये देखिए इस तरह से। और पूरा इसका जो जूस था ना वो आ गया था नीचे। और फिर मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि गाइस बर्तन तो आपको पता है जब भी आप कुछ भी बनाते हो किचन में बर्तन का तो सबसे ज़्यादा ही रहता है, तो यहाँ पे बर्तन भी साथ के साथ करती जा रही थी। तो यहाँ पे पानी तैयार हो जाएगा, तो यहाँ बनाने जा रहे हैं गाइस। आज मैं बताऊँ कि पानी की टिक्की और सौंठ की टिक्की दोनों ही बनाने जा रहे हैं। तो सौंठ भी थी हमारे पास में, और तो फिर मेरा टिक्की भी रखी हुई थी, लबके पापा लेकर आए थे ना अभी बीच में होली पर ही लेकर आए थे जब सुरभि ने मंगाई थी, तो रखी हुई थी। तो फिर पुदीना मैंने ले लिया, तो फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो फिर मैंने मतलब कि दोपहर में आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि बर्तन भी क्लीन करती जा रही हूँ, और यहाँ पे ही आलू बॉईल तो थे ही मेरे, फिर इनको मैं छील लूँगी। और आज तो गाइस आलू छीनने के बाद में जब मैंने तड़का लगाया तो वो तो गाइस ऐसा लग रहा था कि कहीं आग ही ना लग जाए, क्योंकि कटोरी इतनी गर्म हो गई थी। तो यहाँ पे आलू को तो मैं छील लूँगी गाइस, इतनी कटोरी गर्म हो गई थी उस, और जब मैंने उसमें तेल डाला था ना तो वो कटोरी में ही पूरी आग लग गई, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और एक पल के लिए तो मुझे डर भी लगने लगा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा रुक कर, तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैं रुक गई थी, और फिर मैंने जीरा और हींग जो डाल रही थी ना वो मैंने डाली नहीं, मुझे पता थी कि अगर वो डालते ही ना और ज़्यादा आग लगेगी इसमें, और फिर क्या होगा गाइज कि मैंने इसे मतलब कि अपने ना किचन के बाहर के गेट पे रख दिया था ऐसे, और उसमें इतनी ऊंची लौ उठ गई थी गाइज कि आपको है ना फर्नीचर की जो उसमें आपको दिखेंगे परछाई दिखेगी उसमें, इतनी ऊंची लौ उठ रही थी। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आज तक ये है ना पूरी में फैलने ही वाली है, लेकिन वैसे ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहती हूँ गाइस कि जब भी किचन में काम करो सावधानी से करो, तो आज मेरे से बेवकूफ़ी हो गई थी गाइस, ये बेवकूफ़ी कहेंगे गाइस, इतनी बड़ा हादसा ही सा था ये, पूरी कटोरी में इस तरह से। वैसे तो ये तड़का डेली लगाते हैं गाइस, ऐसा तो कुछ नहीं कि पहली बार लगाया, लेकिन कल उसने इतनी ज़ोर से आग पकड़ ली कटोरी में, और आप ये समझो कि जैसे कि ज़मीन पर मैंने रखी ना तो 1-1.5 फुट ऊँची तक उस कटोरी में पूरी आग लग गई थी। और ये फिर मेरे को है ना, फिर मैंने पहले यहाँ स्लैब पे भी रखी थी किचन में, फिर वो बुझ भी नहीं रही थी ना, तो फिर मैं कोशिश कर रही थी, मैंने कहा ये बुझ जाए, लेकिन वो बुझ भी नहीं रही थी। फिर मैंने उसे बाहर ही मेरे को रखना पड़ा था, मतलब किचन के गेट के पास ही रखना पड़ा था। ये देखिए इस तरह से, और इतनी ऊँची हो गई थी ये देखिएगा इस, ये मैंने कहा ये हो जाएगी, क्योंकि तड़का मैं रायते में लगाती हूँ तो लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आग ही ना लग जाए, क्योंकि सिलेंडर वगैरह सब किचन में होते ही हैं गाइस। तो यहाँ पे फिर मैंने बाहर रख दी थी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने फर्नीचर में कितनी तेज दिख रही है ना उसकी परछाई। तो इस तरह से गाइस फिर मैंने इसको आंगन में ही रखा था, ये देखिए जीरा नहीं डालूँगी मैं, कोशिश करूँ डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ सोच रही हूँ, फिर मैंने बाहर ही रख दिया था, ये देखिए इस तरह से बाहर है। और कोई भी नहीं था मेरे पास में, कोई नहीं था, अगर लब के पापा होते या लब सुरभि कोई होते तो डांट लगाते मेरे से, बहुत तेज बोलते कि ये क्या करती रहती हो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस कितनी तेज उसमें आग लग रही है, कटोरी पूरी ऐसे, ये देखिए, ये देखिए। और जीरा और हींग तो पूरा मतलब गाइस जल गया था, जीरा तो जल गया था, लेकिन इसकी खुशबू हींग की जो आ रही थी ना वो तो पूरी पानी में ही महक रही थी।
और पानी तो गाइस इतना बेस्ट बना था, तो सुरभि तो बहुत खुश हो रही थी, और मतलब जब उसे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। और यहाँ पे आलू मैश, मतलब मैंने तो थोड़े मोटे रखे थे, सुरभि ने पूरे हाथों से मैश कर दिए हैं वो। और यहाँ पे हमारा पानी तैयार हो गया, काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक सब डाल दिया है, और यहाँ पे बूंदी भी मैंने डाल दी है, और जो भी आप डालना चाहो, चाट मसाला वगैरह, पानी की टिक्की का मसाला डाल दो। और फिर नींबू मेरे पास एक था, लेकिन फिर लबके पापा नींबू लेकर आए थे दो, तो मैं नींबू ही डालती हूँ गाइस। और आमचूर पाउडर भी मैंने डाला था, तो लबके पापा मेरे को बोल रहे थे कि जब तेरे को बनानी थी ना तो मेरे को बोल देती, मैं इमली लेके आता, इमली वगैरह से अच्छा टेस्ट आ जाता है। पर मैंने तो सोचा, मैंने कि पुदीना ले लिया था तो फिर मैंने बना दिया था, तो यहाँ पे टिक्की एकदम फूली फूली रसगुल्ले जैसी बन रही है गाइस, वाइट वाले रसगुल्ले जैसे होते हैं तो वैसे। और जब मैं इनको सेक रही थी ना गाइस, तो मेरे को बहुत और यहाँ पे मैं लब से बोल रही थी कि सुरभि को जगा दे, और गाइस सेकने में तो इतनी अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी दिखने में। और यहाँ पे लब तो उसने पूरा, मतलब जब तक उसने ये दिखती नहीं थी टिक्की, वो तो रात तक ऐसे ही सूखी ज़्यादा खाई थी उसने, मतलब पानी वाली सौंट वाली जो हमने बनाई थी वो कम खाई थी, वो ऐसे ही सादा ही खाता रहा था, उसे सादा खाने में ज़्यादा चला, क्योंकि इतनी क्रिस्पी है गाइस और सबसे आसान भी है गाइस। मार्केट से मंगा लो ये पैकेट और फटाफट से बच्चों के लिए बना लो। सुरभि को तो गाइस बहुत पसंद है टिक्की, वो तो मेरे से देखिए गाइस, यहाँ पे ये हमारा पानी भी क्लियर हो गया, और यहाँ पे ये पानी हो गया, ये सॉल्ट है, ये सुरभि अपनी कारस्थानी कर रही है, मतलब सुरभि का दूध बना के रख दिया था, पिया नहीं है इन्होंने बच्चों ने, ये बच्चे ऐसे करते हैं, इसको टिक्की इसको इससे प्लेट से टक के रखो, ओके। और यहाँ पे गाइस हमारे ये टिक्की तैयार है, इसको मैं ढक दूँ, इसको इससे ढकूँ, और इसकी प्लेट कहाँ है, इस आगे की प्लेट ये रही, इससे ढक दूँ, इससे ढक दूँ, ओके। और ये इतना ले गई, और इसको इससे ढक दो, ये सब सारा सब कुछ, तो ये देखिए सुबह अपना गाइस पूरा बना दिया, और मतलब इनका बच्चों का बना दिया, क्या हो रहा दिया, मम्मी के पास कौन जाएगा, और अभी मैं अपनी साड़ी पे या फॉल रखना चाह रही थी, ब्लाउज को मैं कटिंग देना चाह रही थी, लेकिन अभी बच्चों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, लग बोला मैं ट्यूशन चला जाऊंगा, मेरी जल्दी सेक दो, जल्दी से सेक दो, सेक दिया आप तो, मैं लेके आता हूँ फिर, नहीं सुरभि लेके आ रही है, तो मुझे कस्टमर करे, मैं सुरभि लेके आ रही हूँ, सुरभि लाड़ दिखाती है ना तो पूरा दिखा देती है। कहीं नहीं थी तो क्या हो गया, मैंने बना तो दिया। घर दिखाना उसे क्यों दिखा रहा है, सॉरी भरते हो देखा, राजा उसे उछड़ गई ना, मैंने बोली थी उसे उछड़ जाती है, ये भी मीठी फोन डाल यार, टपकाना मत ही, नीचे पहुंच जाओ तुम लोग, आराम से खा लोगे फेंक के बिस्तर पे, मैंने एम्प्टी कहीं पे, काला काला क्या है, अरे दिखाए इधर, जीरा है जीरा, उसमें तड़का जोर से लग गया, खाओ, मैं नहीं खाती, मैं डैडू खाएंगे जब खाऊंगे, तुम लोग खाओ, मैं डैडू के खाने के बाद ही खाती हूँ, अब मेरी बारी, पकड़ इसका, मेरी बारी, चुक चुक चुक, मैं पकड़ निकल, हम खाएंगे आलू, इसमें खट्टा थोड़ा कम है, लेकिन सेम बनाइए, तो सेम तो बनेगा ही, इसमें पूरी पानी प्यार डाला गया है, इसमें निचोड़ के इसमें पूरी ममता डाली गई है अपनी, देखो इसने कितना पानी कम लिया, देखो पानी तो देखो कितना कम लिया, मिर्ची भी तो मैंने एकदम कम डाली, ये देखिए ये गया वो गया, पानी पूरी के पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो पहले उसकी लाइट चालू कर लीजिए गाइस, आपको एक मस्ट बता दूं, अगर आपको कुछ बीज निकालने हैं, जो हमारे पास वो क्या होता है वो नींबू का, वो नहीं है हमारे पास, वो खराब है,
आप उसको बस दबा दबा के निकाल सकते हो, आपके इसके बीजों को देख सकते हो ऐसे, नहीं तो ऐसे आधे निकल गया ना, आपको वोट क्यों करा रहा है, नहीं निकल रहा है, ये एक तो फेल होता हुआ। तो गाइस दादी के लिए जा रहे हैं गोलगप्पे, ये इसमें हमने गोलगप्पे पैक कर लिए हैं, और इसमें शॉट और इसमें आलू और इसमें पानी। तो चलो और दही है ना दादी के पास है, और उसके हम दादी के लिए वो बना देंगे दही वाला पानी। चलो इतना बड़ा पूरा गाइस, ये इतना बड़ा है ये मुंह में नहीं जाएगा, ये वैसे हम 10 की 6 देते हैं लग रहा है गाइस, ये देखने में नहीं काफी बड़ा है ये, अब ज्यादा दे रहे हैं। मगर मैं जीत जाता हूँ। महिंदू भाई बूंदी ले आएंगे लाला, ठीक है नहीं? महिंदू भाई बूंदी ले आएंगे, महिंदू भाई नैनी से बुक बूंदी ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब गोलगप्पा पानी भी है, पहले इसका टेस्ट लेंगे गाइस, आप खा लीजिए और अब ये मैं खाऊंगी गाइस। इसमें गाइस दही और क्या सौंठ और कुछ मिर्च मसाले। गाइस तरफ देखिए, दोबारा सबसे बड़ा लेता हूँ इसकी ना मजाक हो जाएगी फिर इसकी। और इसके बाद गाइज मैंने खाना तो खाया नहीं था, बस मम्मी के लिए भेज दी थी, एक्स्ट्रा रोटियां भेजी थी। मम्मी ने तो मेरे से बोला था कि 2-3 रोटियां भेजी, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए भेज देती हूँ क्योंकि मम्मी सुबह गौ माता को भी देती हैं और पिकॉक को भी डालती हैं ना, तो वो इस तरह से रोटियाँ एक्स्ट्रा ही भेज देती हूँ। और यहाँ पे गाइज ये है वेनसडे की क्लिप है गाइज, और यहाँ पे लवसुर भी स्कूल जा चुके थे, उसके बाद मैंने ना ये कॉफ़ी पैक अपने फेस के लिए भी मतलब बनाया था, और सिर में मैंने अपनी लगाया था दही लगा लिया था बालों में मतलब, तो यहाँ पे अच्छी तरह से फेस पे भी लगा लूँगी और इसकी फिर 10 मिनट बाद इसकी मसाज कर दूँगी गाइज। और इसके बाद गाइज मैं नहा के आ चुकी थी, और यहाँ पे आज मंदिर की पूरी डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो गाइज मैं बताऊँ कॉफ़ी पैक की वीडियो मैं पहले भी कई बार बना चुकी हूँ, तो बहुत बेस्ट पैक है गाइज, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो भी आपकी फेस की छोटी मोटी प्रॉब्लम है बहुत सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मंदिर की डीप क्लीनिंग कर दूँगी, अच्छी तरह से करूँगी, और ये पूरी जो सामने की अलमारी है मंदिर, ये मेरी पूजा का ही सामान रखा रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सामान तो ऊपर मतलब अलमारी में रखती हूँ, बाकी जो भी स्टोर वाला होता है वो नीचे। तो ये बस यही कहूँगी गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।